ठीक नहीं है भैया, मैं सर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। बताओ जैसे सर अभी बताओ। आप पहली बार आपने पढ़ाना स्टार्ट किया है, अभी आपने कोर्स स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, और बच्चे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें भी बताते हैं अरे सर पढ़ा रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी बच्चों को कहूंगा कि सब पढ़े, आपकी उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? ये वैसे वीडियो एंड हो गया था लेकिन मैंने एक सवाल दाग दिया। सर ऐसा देखो क्या होता है ना, अभी जैसे अपन पटना वाले सेमिनार में गए, ठीक है, वहां मिले अपन, पटना वाला सेमिनार खत्म हो गया, उसके बाद क्या जैसे बाहर बैठे, ठीक, बाहर बैठे हैं तो मेरे पास कुछ बच्चे, ऐसा नहीं कि पहले से दिमाग में नहीं चल रहा था, 6-7 महीने से पहले से चल रहा था, सोच लेकिन रहा था कुछ चीजें किक होती मिल हैं रही थी। जो किक नहीं मिल रही थी। एक होता ना कि एक ऐसा जैसे वो मंगल पांडे क्रांति वाली बात है 1857 की, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको किक मिलती है। तो वहां पे क्या हुआ, एक बच्चा आया मेरे पास और कहता सर अलग से कुछ बात करनी। मैंने कहा चलो रुको दो 10 मिनट, एक बार इनको निपटाता हूँ, बात करता हूँ, फिर बाद मिला। कहता सर ये मेरे पास फीस तो है नहीं सर देने के लिए, तो ये घर का बना अचार है, ये सुरना, सुरना का अचार बोलते हैं बिहार में, ठीक है, ये सर ये अचार है, ये लेके आओ आपके लिए, इसी को फीस समझ लो सर और पढ़ा दो सर, अच्छे से पढ़ा दो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में मूव कर जाती है ना। अब जैसे अपन वापस आ रहे थे एयरपोर्ट पे, मिले अपन, तो एयरपोर्ट में मैं देख रहा हूँ वो CASF वाला आपको जान रहा है ना, वो उसके बाद वो दूसरा एक लड़का आ गया जो गेट ONGC क्वालिफाइड में जॉब कर ONGC रहा था, वाला, वो आपको जान रहा ONGC है। में ऑफिसर था तो वो। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि यही चीजें मैं देखता हूँ ना कि यार कई बार जरूरी नहीं कि कमाई सिर्फ पैसे से ही होती है ना, बिल्कुल, कमाया शायद सिर्फ पैसा नहीं, प्यार भी कमाया जा सकता है, और उसका अलग तो सुकून है सर, उसका अलग सुकून सेटिस्फेक्शन है है। वो लाइफ का, वही तो ये सक्सेस है छोटी असली। छोटी चीजें हैं जो ट्रिगर पॉइंट बनती हैं, जैसे उस बच्चे की बातें हो गई या फिर उन बच्चों का माहौल हो गया जो आपसे मिलने आते हैं। तो ये सारी चीजें देख के मुझे ऐसा लगा कि यार 19 का 21 होगा, मतलब 21 का 19 भी हो जाएगा तो भी मैं बढ़िया से, क्योंकि मेरी उतनी जरूरतें नहीं है। सर कोई तो फर्क नहीं पड़ता है, पता है हमें ऐसा लगता है कि आज बहुत सारे टीचर्स को ऐसा लगता है, मैं उनके लिए भी कहूँगा कि हमसे बच्चे फीस नहीं देंगे, लेकिन आपको क्या मिल रहा है उसकी जगह आप नहीं सोच सकते। सर विराट कोहली कोई क्रिकेट खेलने का थोड़ी पैसा लेता है, सर उसकी ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग का पैसा लेता है। आप जिस दिन ब्रांड बनेंगे कि भाई आपका एक ब्रांड है, आपका एक नाम है, तो 36 लोग आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए खड़े हुए हैं, लोगों पर बहुत पैसा है। आज मैं किसी बड़े से बड़े इन्वेस्टर को बोल दूँ कि भाई मेरे पे पैसा लगा दो, कोई भी लगा देगा, मैं कुछ कमा के दे रहा हूँ नहीं, मेरा नाम नाम है कि भाई मैंने वो नाम कमा लिया, तो सारा खेल नाम कमाने का है। आप क्योंकि सर पैसा हो या कुछ भी चीज़, हमेशा डायरेक्टली कमाने के बारे में नहीं सोचना हाँ, चाहिए, वो मेरा ये मानना। जरिया हो सकता है कि हम अपने पॉजिटिव एफर्ट्स, अपने सर अच्छे मैं एक यहाँ कंटेंट पे को अगर गंदा इन सा तक एग्जांपल लेके पहुंचाओगे। समझाऊंगा, सर मैं यहाँ पे एक लड़का लड़की जब रिलेशनशिप में आते हैं और लड़की को ये लगे कि यार लड़का ना सिर्फ भाई फायदा लेना चाह रहा है कुछ भी है, तो वो रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चलेगी। जबकि ऐसा नहीं है फायदा उसको मिलेगा, उसकी शादी भी उससे होगी, बट इट विल टेक टाइम कि वो अच्छा करता रहेगा लगातार, हर चीज वही होनी है जो वो चाहता है, बट उसका ये इंटेंशन दिखे नहीं, दिखा तो बात खत्म है। तो जरूरी नहीं कि हम आके सीधे यही कहें यूट्यूब पे कि नहीं नहीं यार आप मेरे कोर्स लो, जिसके पास पैसा है सर वो अपने आप आपको दे देगा किसी ना किसी फॉर्म में, और वो नहीं देगा तो ऊपर वाला बैठा है मैं किसी ना वही कह रहा किसी था, फॉर्म में फिर देने के डायरेक्शन लिए, चेंज हो जाएगा। भी डायरेक्शन आप चेंज हो एक जाएगा। जगह अगर कुछ अपने एफर्ट्स लगाएंगे तो भगवान कहीं ना कहीं से दूसरी बस जगह मेरे से साथ तो घुमा सर के वही आपके लिए हुआ कुछ ना है, कुछ कर मेरे साथ देगा। तो वही हुआ है कि मैंने खुद, मैं नहीं भागा कभी कि हाँ मुझे पैसा चाहिए कुछ है, बट मेरे भगवान ने सब सपने पूरे किए, सब कुछ किया। तो यही है, चलो बहुत सर अच्छा लगा सर बहुत, आपसे बात करके, मजा आ गया एकदम। और ऐसे मैं एक चीज आपके बारे में, दो तीन आपकी तारीफ में कहूंगा कि जब आप पढ़ाने भी, जहां भी आप पढ़ाने के, मैं हमेशा आपका नाम लेता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिलता हूँ, और मैं जरूर बताऊँ जिनसे मिलता हूँ जो वाकई में बहुत जेन्युइन है, आप बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा आपको कम होने की जरूरत है, ये सलाह भी है, ठीक है? क्योंकि दुनिया ऐसी है, हमें कई बार वो हमारी जेन्युइनिटी को, हमारे सच्चेपन को गलत ले लेती है। तो बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके, बहुत मजा आया, और आप बिस्किट लेके आए, वो बिस्किट भी बहुत तगड़ी है, वो तो एलोरा सर बेकरी है एक देहरादून में, काफी फेमस बेकरी है, तो वहां से लेके आया था। चलो सर मिलते बहुत रहेंगे, बहुत अच्छा थैंक लगा यू सर सो मिलकर। मच, और आप लोगों से भी मिलते रहेंगे जरूर, और ऐसी वीडियोस आगे और देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे, लाते रहेंगे आपके लिए, कुछ ना कुछ डेली अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। और इसी के बस एक ही साथ चीज याद रखनी कि इसी बार सिलेक्शन लेने, अपने रूम में बड़ा बड़ा लिख के टांग दो, सिलेक्शन इसी बार, अब और इंतजार नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, बस है वो ना। कहता ना कि माँ की फिक्र को फक्र में बदल लेना, माँ कहे कि अरे मेरा बेटा इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच।